हाँ ठीक आ जाइए, देख लीजिए बात चल रही है, अगर वीडियो चल रही तो बेटा आप लोग जो है अब आ जाओ फटाक से, क्लासेस स्टार्ट होगी। दीपक कुमार नमस्ते। नमस्ते सर। वो उससे पहले थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू हो गया, लाइट वाइट की दिक्कत हो जाती है बेटा कभी कभी। मोहम्मद गाजी वालेकुम असलाम। मानव शर्मा हेलो बेटा, क्लास स्टार्ट हो गई है, आ जाओ फटाक से। आज हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सीखेंगे, ओवरीज के बारे में, खासकर ओवरी के बारे में, जो फोलिकल वगैरह है ना, अक्सर बच्चे उस फोलिकल को लेकर थोड़ा सा वो रहते हैं, फोलिकल उनको डेवलप या समझ में नहीं आती है कि फोलिकल कब बनते हैं, कितने बनते हैं, कौन सी लेयर उस पर आ जाती है। ठीक है, तो मैच्योर ग्राफिन फोलिकल में क्या क्या चीजें हैं वो थोड़ा सा। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून सैफ खान। जाहिद नहीं दिख रहा, जाहिद को भी ये लिंक भेज दो। नगमा सुब्बूही, सैफ खान दिख रहा है, नगमा सुब्बूही, बाकी जो है रिफत वगैरह सब कहाँ है भाई, सब सो रहे हैं क्या? कैफ रजा आ गया, वालेकुम असलाम, आ जाओ बेटा सभी लोग। चलिए अच्छा, आज जो है ये मुझे लगता है कि बार बार वो चीजें वैसी नहीं होती होंगी, देखते हैं। चलो शुरू करते हैं, कैसे हैं सर? एकदम चंगा, चलो शुरू करें बेटा। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। भावना यादव हेलो सर, हेलो बेटा। उसामा आ गए, आ गए, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात अगर हम करें तो वो तो हम पढ़ चुके हैं बेटा। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी पेल्विस रीजन या पेल्विक रीजन में पाया जाता है। यहां पे भी हमको ये भी पढ़ना है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी कहां पाया जाता है। कि एक बात मान लीजिए, एक महिला है, ठीक है, महिला है, थोड़ा सा गोल मटोल से होगी ही, ठीक है, अब देखना थोड़ा सा हमें बस हल्का सा, कुछ बच्चे नए हैं यहाँ पे, वो उनको समझाना होता है। ये उनकी जुल्फे हैं, आपको पता ही जुल्फे ऐसी होती है कुछ समथिंग, ठीक है। अरे मान लो ये नॉर्मली ऐसी, मान लो यार अच्छी हो या ना हो मानना तो पड़ेगा ही ना, थोड़ा गोल मटोल ज्यादा हो गई है लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये जो है यहां पे आपको पता है कि ये डायफ्राम है, तो ये उसका हो गया कौन सा रीजन बेटा? ये उसका थोरेसिक रीजन हो गया, मैं पहले बता चुका हूं। ये उसका एब्डोमिनल रीजन होता है, एब्डोमिनल रीजन का जो नीचे वाला हिस्सा होता है ना, इसे बोलते हैं पेल्विस, इसे बोलते हैं पेल्विस। एब्डोमिनल रीजन का नीचे वाला हिस्सा कहलाता है पेल्विस। तो इसी पेल्विस रीजन में ही पाए जाते हैं क्या बेटा? इस तरह से इसका यहाँ पे, ये देखिए इस तरह से पाए जाते हैं। यहाँ पे ओवरी लगी होती है, फेलोपियन ट्यूब वगैरह सारा रिप्रोडक्टिव पार्ट यहाँ पर पाया जाता है। तो ये आपको दिमाग में इतना नहीं रखना, बस पेल्विस रीजन याद रखना है। चलो शुरू करते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या आते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इसके अंदर क्या होती है बेटा? एक पेयर ओवरीज आती है, एक पेयर ओवरीज आती है बच्चे, वेरी गुड, समझदार हो, पेयर ओवरीज आती है। डक्ट सिस्टम आता है, सब पढ़ना है, याद रखना, तैयार रहना एकदम, डक्ट सिस्टम। हाँ, और बच्चे यहाँ पे हमें कुछ दिख नहीं रहे हैं ज्यादा। एब्डोमिनल में होता है बेटा, लेकिन एब्डोमिनल के लोअर रीजन में, ओसामा उसे पेल्विस रीजन बोलते हैं, नॉर लोअर रीजन में होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया बेटा, इसके अंदर होता है एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, वेरी गुड। आओ देखते हैं, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया हो गया और फिर ग्लैंड्स हो गई, यानी इतनी चीजें हमको पढ़नी है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। एक पेयर ओवरीज होती है, डक्ट सिस्टम होता है, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होते हैं, ग्लैंड्स होती है, इन सब के बाद इतना हमको पढ़ना है आपको। आओ चलो आज हम शुरू करने जा रहे हैं सबसे पहले ओवरीज। ए बेटा सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ओवरीज। ओवरी के चक्कर में पूरा बनाना पड़ेगा बेटा, ओवरी के चक्कर में हमें पूरा बनाना पड़ेगा ओवरीज। अच्छा ओवरीज जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बेटा अंडाशय, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अंडाशय, या जिसको हम बोलते हैं बेजादानी, उर्दू में अगर देखा जाए तो इसे बोलते हैं बेजादानी, ठीक है, आएगा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत समझ सकते हैं आप, बेजादानी। ए बेटा ओवरी के बारे में ये कहा जाता है कि ओवरी, थोड़ा सा पॉइंट यहाँ लिखना, ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है बच्चे। क्यों है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन? आपको पहले से पता है मेरे प्यारे बच्चों,
प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों, ये आपको पहले से पता है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इसलिए क्योंकि ये, नहीं संस्कृत मत पढ़ो बेटा, बस इतना ही रखो। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है क्योंकि ये गैमेट्स बनाता है, ओवम बनाता है। अगर इसका शेप देखा जाए तो कहा जाता है इसका शेप एलमोंड शेप होता है। एलमोंड समझते हो ना, एलमोंड बादाम, इतने बड़े बड़े होते हैं, खैर बादाम। इसकी लंबाई चौड़ाई उससे इतना मतलब नहीं होता है। लंबाई 3 सेंटीमीटर के आसपास होती है, लेंथ इसकी 3 सेंटीमीटर के आसपास होती है, विड्थ इसकी जो होती है वो लगभग 1.5 सेंटीमीटर के आसपास होती है। थिकनेस अगर इसकी देखी जाए, मोटाई, तो वो लगभग 1 से 2 सेंटीमीटर के आसपास ये भी होती है, 1 सेंटीमीटर के आसपास लगभग। वो हमको याद नहीं रखना है, इतना जरूरी नहीं है बेटा, ठीक है। लेकिन एक डायग्राम तो बनता है, ये मैं आपको, ये मैं मिटाने जा रहा हूं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, देखो ओवरीज के बारे में जब भी आप पढ़ना है तो पहले हम ओवरी का एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। ओवरी का नहीं, पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पूरे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ही एक स्ट्रक्चर बनेगा। और ये रिप्रोडक्टिव, ये स्ट्रक्चर आपको देखना जरूरी है। और इसको हम मिटा दे रहे हैं, इसको हम मिटा दे रहे हैं। एक पूरा स्ट्रक्चर आपको पता है, एक शब्द का इस्तेमाल होता है पियर शेप, पायरीफॉर्म। तो ये जो यूटरस वगैरह है इसके बारे में पहले हम देखेंगे। देखो यहाँ पर होता क्या है, छोटा सा हम डायग्राम बनाते हैं। ए बेटा ये देखो, इस तरह से एक डायग्राम, मतलब इस तरह से हमें बनाना है। थोड़ा सा और अच्छा कर ले ऐसे, नॉर्मली रफली डायग्राम है, सीरियस मत हो जाना तुम लोग, ठीक है। ये दो थोड़ा सा और कर लेते हैं पास में, ठीक है। उसके बाद यहां पर हम एक यूं इस तरह से बना लेते हैं, बन रहा है, बनने दो, ठीक है। उसके बाद तुम्हें पता है कि यहां से कुछ स्ट्रक्चर निकलेगा, यहां से ए, इस तरह से, ठीक है। ये रफली डायग्राम है बेटा, इसको बहुत सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, हल्का सा समझने की कोशिश करते हैं हम। थोड़ा सा और इसको हम गिरा लें, ठीक है। हम इसको जो है यहां से निकाल लेते हैं बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं है, ठीक है। ये आपको समझ आ रहा है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा आगे चलते हैं बेटा। यहां से आपको पता है ये इस तरह से कैनाल हो जाती है, पतली सी, ठीक है, एक पतली सी कैनाल हो जिसे सर्विक्स बोलते हैं। और यहां से फिर एक स्ट्रक्चर यूं होता है, पतला सा, इस ओपनिंग को हम बोल देते हैं वेजाइना। और ये कैनाल हो गई, सर्वाइकल कैनाल, ठीक है। आप सुनो, हम इसको यूट्रस बोलते हैं। ये हो गया तुम्हारा फेलोपियन ट्यूब। और वैसे भी समझने की सबसे बड़ी अच्छी इसकी स्टाइल ये है, देखो हमने पहले भी ऐसे करते हैं, ये इस तरह से अगर देखा जाए तो ये यहाँ पर मान लीजिए, ये यूट्रस मान लीजिए, ये फेलोपियन ट्यूब मान लीजिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो आओ देखते हैं इसको समझना कैसे हमें। और यहाँ पे आपकी दो ओवरी होगी बेटा, ये एक ओवरी, ये दूसरी ओवरी, ये, ठीक है ना, दोनों ओवरी है। अब सुनना, इसमें एक पॉइंट है बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो पॉइंट ये समझना है। ओवरी जो होती है यहां पे जुड़ी होगी, ये ओवरी जुड़ी होगी यूट्रस की वॉल से, यूट्राइन की वॉल से, जिससे हम बोलते हैं ओवेरियन लिगामेंट, ओवेरियन लिगामेंट, ओवेरियन लिगामेंट, ठीक है बच्चे। ये तुम्हारी होगी ओवरी, इसको हम बोलते हैं ओवरी, इतना पॉइंट याद रखिएगा। उसके बाद ये वाला हिस्सा, ये देखो, ये ओवरी ना इधर भी जुड़ी होगी बेटा, इससे ओवरी इधर की वॉल से भी जुड़ी होगी, फेलोपियन ट्यूब से, सॉरी फेलो, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, तुम्हारी ओवरी जो होती है वो यहां से भी जुड़ी होगी, इधर से भी जुड़ी होती पूरा, ये इसको हम बोलते हैं मेसोबेरियम। देखो ओवेरियन लिगामेंट यहां है, ओवेरियन लिगामेंट ये है, यूट्रस की वॉल से जुड़ा हुआ है, और इसे बोलते हैं मेसोबेरियम, जो तुम्हारे एनसीईआरटी में मेंशन कर रखा है इन्होंने, मेसोबेरियम। और सुनो, ओवरी के बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे, पहले यहां पे सिर्फ हमें स्ट्रक्चर याद रखना है। ये तुम्हारा हो गया यहां से, ये वाला पार्ट कहलाता है इन्फंडिबुलम। अभी समझा रहे बेटा, और याद रखना, ध्यान देते रहना बस। इन्फंडिबुलम, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, उसे हम बोलते हैं एम्पुला, एम्पुला, एम्पुला। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे बेटा, इसको बोलते हैं इस्थेमस। सर ये सब है क्या? ये कुछ और नहीं, ये फेलोपियन ट्यूब है बेटा, एफटी, एफटी का मतलब ये फेलोपियन ट्यूब है, मेसोबेरियल लिगामेंट ये हो गया, ये इस्थेमस, एम्पुला, इन्फंडिबुलम। लेकिन ये क्या है? ये होता है फिम्ब्री, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहा है इसे बोलते हैं फिम्ब्री।
इधर की तरफ हम फेलोपियन ट्यूब वाला स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद देखो थोड़ा सा और समझना है, ये है तुम्हारे यूट्रस। यूट्रस की अगर लेयर की बात करें बेटा, तो यूट्रस में तीन लेयर होती है, एक लेयर इसके अंदर और होगी, ठीक है। एक लेयर हाइली ग्लैंडुलर होगी, सबके बारे में हमें पढ़ना है, याद रखना सबके बारे में हमको पढ़ना है। अगर हम यूट्रस की लेयर की बात करें, तो यूट्रस की लेयर में सबसे बाहर वाली लेयर का नाम क्या है बच्चे? बाहर वाली लेयर का नाम पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। और उसके अंदर वाली लेयर का नाम बेटा मायोमेट्रियम। उसके अंदर वाली एकदम इनर लाइनिंग क्या बोलते हैं बेटा? एंडोमेट्रियम। अभी सिर्फ यहां पे हम लेबलिंग कर रहे हैं, क्योंकि यहां पे ट्वेल्थ वाले बच्चे भी होंगे, तो ट्वेल्थ वाले बच्चों को भी समझना है बेटा, क्योंकि डायग्राम तो आएगा ही, तो डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। आओ देखते हैं क्या है। देखो ये वाला यूट्रस का नीचे का पार्ट, ये कहलाता है सर्विक्स। क्या कहलाता है बेटा? सर्विक्स। और ये कहलाता है सर्वाइकल कैनाल, ये कहलाता है सर्वाइकल कैनाल, और ये कहलाता है वेजाइना। इतना दिमाग में रखना है आपको, लेबलिंग आपको आनी चाहिए, लेबलिंग आपकी सही होनी चाहिए। तो सुनो, यूट्रस की लेयर की बात करें, ये लेयर ऑफ यूट्रस है, लेयर ऑफ यूट्रस, लेयर ऑफ यूट्रस। ए बच्चे, यूट्रस की लेयर की बात करें तो ये है, लेकिन यूट्रस के पार्ट की अगर बात करें, यूट्रस के पार्ट की मैं ओवरी ही पढ़ाऊंगा, लेबलिंग में मुझे सिर्फ बोलना पड़ रहा है बेटा, हाँ तो उसकी बात है बेटा। इसमें देखो ये जो है बेटा, ये वाला ऊपर वाला जो पार्ट है वो कहलाता है, यूट्रस के ऊपर वाला पार्ट कहलाता है फंडस, फंडस अपर पार्ट। यूट्रस का पार्ट और यूट्रस की लेयर का नाम अलग है, यूट्रस का पार्ट और फंडस तुम्हें पता है पहले से बेटा। यूट्रस क्या होता है बताओ, यूट्रस को क्या बोलते हैं? सॉरी, फंडस कहीं और भी है मेरे बच्चों, ये बताओ फंडस कहीं और पढ़ा है आपने? फंडस कहीं और पढ़ा है क्या? आप लोग बता सकते हैं फंडस कहीं और पढ़ा है? स्टमक में कहीं पढ़ा है क्या? फंडिक पार्ट, तो याद रखिएगा सब, ठीक है। हाँ स्टमक, वेरी गुड, ये फंडस हो गया। और जो ये मेन पार्ट होता है, ये पूरा मेन पार्ट जहां पे आके बच्चा यहां पे इमिट होता है, इस पार्ट को बोलते हैं कॉर्पस, इस पार्ट को बोलते हैं कॉर्पस, ठीक है। स्टमक पढ़ा, वेरी गुड, इसको बोलते हैं कॉर्पस। और जो एकदम नीचे वाला पार्ट है जो सर्विक्स, तो सुनो वेजाइना ऐसे लिखो, सर्वाइकल कैनाल, सर्वाइकल कैनाल प्लस वेजाइना दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? देखे क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, सर्वाइकल कैनाल प्लस वेजाइना दोनों को मिला के क्या बोलते हैं बेटा? सर्वाइकल कैनाल प्लस वेजाइना को मिला के क्या बोलते हैं? यहाँ पे बच्चों को पता होगा, मैक्सिमम बच्चों को पता होगा, मैं पता है लेकिन वो बता नहीं चाह रहे हैं, जल्दी बताओ। सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना को मिला क्या बोलते हैं? बर्थ कैनाल, वेरी गुड निखिल, बर्थ कैनाल, बर्थ कैनाल, बहुत अच्छा बच्चे हैं, कुछ यहाँ पे अच्छे जवाब दे रहे हैं। तो फिर बेटा यहाँ पे ट्वेल्थ के हिसाब से चल रहा है, इसलिए कुछ बच्चे जो हैं हमारे बर्थ कैनाल सुबह ही, ठीक है। तो सुनो फिर से, सर ये ओवरी हो गई, ये आपको डायग्राम इस तरह हाथ से ऐसे निकाल के बनाना होगा। तो ये ओवरी हो गई, देखो तीन पार्ट होते हैं फेलोपियन ट्यूब के, तीन पार्ट होते हैं इनफंडिबुलम, एम्पुला, स्टमस। बस इनफंडिबुलम आगे की तरफ थोड़ा सा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना लेता है बेटा, जिसको हम बोलते हैं फिमरी। उसके बाद ये ओवरी जो है यूट्राइन वॉल से लगा होता है, किसके द्वारा बेटा? यूट्राइन की वॉल से लगा होता है, ओवेरियन लिगामेंट से। और बाकी ये पेल्विक रीजन में, ये इसे फेलोपियन ट्यूब से और यूट्राइन वॉल से पूरा यहाँ पे जो लगा हुआ होता है, एक एक लिगामेंट और होती है जिसको हम बोलते हैं मीसोवेरियम। लिगामेंट कई है लेकिन मैं कुछ ही भी लिगामेंट के नाम लिख पा रहा हूँ, मीसोवेरियम। दूसरी बात, अगर हम यूट्रस के पार्ट की बात करें, तो ऊपर वाला पार्ट फंडस, बीच वाला पार्ट कॉर्पस, कॉर्पस में ही क्या होता है? इम्प्लांटेशन। ये दिमाग में रखना, सवाल आ चुका है। और नीचे वाला पार्ट कहलाता है सर्विक्स, नीचे वाला पार्ट कहलाता है यूट्रस का सर्विक्स। सर्विक्स के नीचे होता है सर्वाइकल कैनाल, फिर होती है वेजाइना, वेजाइना और सर्वाइकल कैनाल को मिला के बोलते हैं बर्थ कैनाल। अगर हम यूट्रस की लेयर की बात करें बेटा, तो बाहर सबसे बाहरी लेयर का नाम पेरीमेट्रियम, बीच वाले का नाम मायोमेट्रियम, अंदर वाले का नाम एंडोमेट्रियम। एक एक लेयर के बारे में हमें पढ़ना है, लेकिन उससे पहले ओवरी के बारे में आपको दिमाग में बैठाना है। मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ, ओवरी देखें बहुत से बच्चे नहीं पता होता है, नीट वालों को भी अक्सर नहीं पता होता है, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, तो इसको मैं मिटाने जा रहा हूँ बेटा।
क्योंकि वीडियो यहाँ पे अपलोड हो जाएगी, इसलिए परेशान मत होना। चलिए शुरू करते हैं। आओ हम लोग ओवरी के बारे में पढ़ रहे थे, अभी तो हम डायग्राम पढ़े ना, आओ हम ओवरी के बारे में पढ़ते बेटा। ओवरी के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी, ये सबसे अच्छा यही है, स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। ये आपको पता चलेगा, एक पेयर ओवरी होती है एक महिला में, कई महिला होंगे तो अलग बात है। तो चलिए देखते हैं क्या है बेटा, पहले ओवरी के बारे में बात करते हैं। ओवरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, आपको ये बात पता है। ओवरी से, ओवरी से हार्मोन मिलते हैं। ये एलमोंड शेप होता है, ये भी आपको बताया गया। आओ देखते हैं, ये थोड़ा एलमोंड नहीं बन पाया है, एलमोंड तो नहीं बन पाया है, लेकिन थोड़ा सा कोशिश, चलो अच्छा एक काम, एलमोंड नहीं बन पाएगा, लेकिन कोशिश ये रहती है कि इसको ठीक ठाक बनाया जाए। ठीक है, ये जो सबसे बाहरी लेयर है, ये जो लेयर है, ये इस लेयर को हम क्या बोलते हैं? देखिए कौन बताता है, ओवरी की इस लेयर को हम क्या बोलते हैं? कौन बताएगा ओवरी की इस लेयर को क्या बताते हैं? चमक रहा है अभी, ठीक है, ओवरी की इस लेयर को क्या बोलते हैं? पेम, मतलब ओवरी की इस लेयर को क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स? नहीं 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 नहीं, इस लेयर को क्या बोलते हैं बेटा? इस लेयर को, इस लेयर को बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। क्या बोलते हैं बेटा? ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ये दिमाग में रखो, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। दूसरा पॉइंट देख लो तरुण, एक और पॉइंट, ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया है, इसके किनारे 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 वाला हिस्सा ये हिस्सा, ये 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 ओवरी है, याद रखिएगा। और ये बीच वाला हिस्सा है बेटा, किनारे वाले हिस्से को, वैसे इस पूरे अंदर वाले हिस्से को बोलते हैं स्टोमा, पूरे अंदर वाले हिस्से को बोलते हैं स्टोमा, याद रखिएगा, अंदर वाले हिस्से को बोलते हैं स्टोमा, पूरे अंदर वाले हिस्से को बोलते हैं स्टोमा। स्टोमा के दो पार्ट बेटा, स्टोमा के दो पार्ट बेटा, आउटर और इनर। स्टोमा के दो पार्ट बेटा, आउटर और इनर। आउटर वाले को बोलते हैं कॉर्टेक्स, आउटर वाले को बोलते हैं कॉर्टेक्स, इनर वाले को बोलते हैं मेडुला। मेरा एक सवाल है, देखिए मेरे प्यारे बच्चे क्या जवाब देते हैं, बताइए फोलिकल कहां पाए जाएंगे, कॉर्टेक्स में कि मेडुला में? देखिए जवाब क्या देते हो फटाक से, फोलिकल कहां पाए जाएंगे? फोलिकल क्या होते बताया जाएगा, फोलिकल क्या होते कहां पाए जाएंगे, कॉर्टेक्स में या मेडुला में? कॉर्टेक्स में कि मेडुला में, जल्दी जवाब दे दो। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, जवाब नहीं आ पा रहा है, मेडुला में, मेडुला में, कॉर्टेक्स में, कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स में पाया जाता बेटा, तहरी नहीं, कॉर्टेक्स में, यहां पे पाया जाएगा किनारे किनारे। कभी भी देखना, कभी भी तुम डायग्राम देखना तो बीच में नहीं बनाएंगे, किनारे किनारे बनाएंगे, यहाँ 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 पे, याद रखना। ये इस तरह से छोटी 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 छोटे 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 फोलिकल्स बनाएंगे, फिर ये छोटे 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 थोड़ा बड़े फोलिकल्स बने होंगे, ठीक है, फिर ये फोलिकल्स बड़े होंगे, फिर ये फोलिकल्स और बड़े हो जाएंगे, मतलब इस तरह समझ लो, ठीक है। अभी मैं इसको समझाऊंगा सब, ये छोटे छोटे फोलिकल होते हैं, यही फोलिकल ही ओवम बनाएंगे आगे जाके। तो कोई पूछे व्हाट इज फोलिकल, तो फोलिकल वो सेल होती है जो आगे जाके ओवम बनाएंगे, ठीक है। जैसे स्पर्म बनाने वाले स्पर्मेटोगोनियम होते थे, वैसे यहाँ पे ओगोनियम होंगे, वो हम आपको समझाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल आपको याद रखना, ये याद रखना, ये बीच वाला हिस्सा है, और ये देखो यहां से ब्लड वेसल्स जाएगी, यहां से जाएंगी ब्लड वेसल्स, आर्टरीज वगैरह, आर्टरीज और वेन्स यहां से एंट्री करेगी, ये हो जाएंगी वेसल्स, ये हो जाएंगी ब्लड वेसल्स। यहां पे डिटेल समझना है, बहुत कायदे से डायग्राम को समझने की कोशिश करना, क्योंकि आपको समझ में जल्दी नहीं आएगा, मैं बता रहा हूं कैसे नहीं समझ आएगा, देखना तुम खुद ही, अभी मैं पूरी डिटेल यहां पे लेकर चलूंगा। एक काम करते हैं, डिटेल जब चली रही है तो इसको हम थोड़ा सा सही कर देते और बढ़िया कर देते। ओवरी है बेटा, ओवरी है, ओवरी के अंदर होगा फोलिकल का डेवलपमेंट होगा। तो चलिए हम पहले एक बात कर ले, छोटा सा यहां पे फोलिकल, इसके चारों तरफ से लेयर होगी बेटा, ठीक है, इसको बोलते हैं प्राइमरी, इसको बोलते हैं क्या,
सबसे पहले वाले जो होगी उसको याद रखिएगा, और इसको बोलते हैं प्राइमोर्डियल फोलिकल, प्राइमोर्डियल फोलिकल, प्राइमोर्डियल फोलिकल। और ये फोलिकल अभी पहली बार बन रही है, अभी यही आगे डेवलप होगी। मैं एक को ले रहा हूं, कई होंगे, 60,000 से 80,000 होंगे, वो बात बात की है, अभी कंफ्यूज मत होना। अभी बस एक को पकड़ते हैं और आगे हम डेवलप करते चलते ओवरी में। बेटा ओवरी के अंदर क्या बनता है, ओवम बनते हैं, इसका काम ही है। ओवरी दो होती है, एक महीने ये वाली बनाएगी, एक महीने वो वाली बनाएगी। जरूरी नहीं है एक महीना ये, कभी कभी एक ही ओवरी दो बार कर देती है, कभी कभी ये वाली ओवरी नहीं बना पाती है, तो कभी कभी यही ओवरी 3-4 बार कर देती है, तो जरूरी नहीं है। लेकिन जनरली ये कहा जाता है एक महीना ये ओवरी निकालेगी ओवम, दूसरे महीने ये ओवरी निकाल ये वाली ओवरी निकालेगी ओवम। तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना। ये देखो, ये थोड़ा सा और अच्छे से लेयर डेवलप हो जाएगी, एक लेयर आ गई, ठीक है कोई बात नहीं, आने दो। ये देखो इस पर लेयर बेटा और आ रही है, आने दो आने दो, और लेयर आ रही है तो आने दो, और क्या। ठीक है, इसको बोलते हैं प्राइमरी फोलिकल, प्राइमरी फोलिकल। इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी फोलिकल, सेकेंडरी फोलिकल। फोलिकल की बात कर रहे हैं, अंदर क्या है वो मैटर आपको अभी नहीं रखना है, ये स्टोमा वाला याद रखिएगा, सेकेंडरी के सेकेंडरी फोलिकल। फिर ये देखो टर्शरी फोलिकल, हल्की सी लेयर, हल्का हल्की हल्की कैविटी आना शुरू हो रही है इसके अंदर, अभी पूरी तरह कैविटी नहीं आई है मेरे बच्चों। फिर ये हो गया तुम्हारा, देखो मैच्योर ग्राफियन फोलिकल। समझने की कोशिश करना, वरना दिक्कत क्या है, कुछ होना तो है नहीं। समझ में आए ना आए, सर देख लेंगे बाद में, ठीक है। ये देखो तो याद रखना, ये हो गया टर्शरी फोलिकल, टर्शरी फोलिकल। ये हो गया ग्राफियन फोलिकल, ग्राफियन फोलिकल। कंफ्यूज नहीं होने का, मैं बहुत कुछ यहां पे सिखाने जा रहा हूं, याद रखना। ओवरी में एक फोलिकल पकड़ते हैं, सारी नहीं, सारी की बातें भी बाद में करेंगे। सर ये प्राइमोर्डियल फोलिकल, इसके अंदर डेवलपमेंट हुई है, प्राइमरी फोलिकल, सेकेंडरी फोलिकल, टर्शरी फोलिकल, ग्राफियन फोलिकल, हम मान लेते हैं। सर ये लेयर कौन सी है जो बार बार इसके ऊपर आ रही है, किसी सेल के ऊपर बार लेयर आ रही है, ये लेयर कुछ और नहीं, ये जो हमने रेड वाइट लेयर है ना, ये ग्रेनुलोसा सेल है बेटा, ग्रेनुलोसा सेल, ग्रेनुलोसा सेल। समझने की कोशिश करना, ये ग्रेनुलोसा सेल है। हाँ तो ये ग्रेनुलोसा सेल है, यही ग्रेनुलोसा सेल जो है बार बार प्राइमरी फोल, एक ग्रेनुलोसा सेल होती है तो प्राइमरी फोलिकल, ग्रेनुलोसा सेल और आ जाती है तो सेकेंडरी फोलिकल। ग्रेनुलोसा सेल उतना ही है, मतलब दो दो ही तीन है, लेकिन बीच में हल्की हल्की कैविटी आ रही है, टर्शरी फोलिकल। पता चला ग्रेनुलोसा सेल ने अपने आप को इस तरह से अरेंज कर लिया है कि बीच में बड़ी सी कैविटी आ गई, उसे बोलते हैं, तब अगर बीच में बड़ी सी कैविटी आ जाए उसको हम बोलते हैं मैच्योर ग्राफियन फोलिकल। लेकिन फर्क है, एक फर्क है, ग्राफियन फोलिकल के अंदर ये जो सेल है बेटा, ये जो सेल है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेकेंडरी ऊसाइट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, दिमाग में बैठा लो, हम बता रहे हैं इंपॉर्टेंट है। टर्शरी फोलिकल के अंदर भी सेकेंडरी ऊसाइट। तो सर यहां से लेकर यहां तक में क्या होते हैं, यहां से लेकर यहां तक में होगा प्राइमरी ऊसाइट। इसके अंदर जो सेल होगी वो प्राइमरी ऊसाइट, याद रखना। इसमें 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 यानी प्राइमरी फोल्ड, प्राइमोडियल फोलिकल से लेकर प्राइमरी फोलिकल, सेकेंडरी फोलिकल से लेकर मेरे बच्चों, इसमें हो ये कहला जो फोलिकल है, इसके अंदर जो सेल होगी उसे बोलते हैं प्राइमरी ऊसाइट। उसके बाद टर्शियरी फोलिकल और ग्राफियन फोलिकल में होगा सेकेंडरी ऊसाइट। अभी ठीक है, इतना समझते हैं। एक सवाल और, मान लीजिए 14th डे हो गया है, अभी मैं पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल ओवुलेशन नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन थोड़ा समझ, 14th डे हो गया एमसी का, मेंस्ट्रुअल साइकिल का 14th डे हो गया है, तो यहां से ये सेकेंडरी ऊसाइट बाहर निकल जाएगा। ये सेकेंडरी ऊसाइट क्या होगा बेटा, सॉरी ब्लैक से बना लेते हैं, ब्लैक से ही बनाया तो ब्लैक से कर लेते हैं बेटा। ये सेकेंडरी ऊसाइट बाहर अपनी कुछ सेल के साथ बाहर आ जाएगा, अपनी कुछ सेल के साथ सेकेंडरी ऊसाइट बाहर रिलीज हो जाएगा, और जो बचा हुआ रेड पार्ट है बेटा, ये इसको क्या बोलेंगे, ये 14th डे पे ओवुलेशन हो गया है। क्यों हुआ है ओवुलेशन, वो बात की बात है,
पता वो ये जो बचा हुआ पार्ट है ये तो सेकेंडरी ओसाइट होगा, ये क्या कहलाएगा? और अगर बाद में ये थोड़ा सा और डेवलप होगा बेटा, बाद में ये थोड़ा सा और डेवलप होगा, फिर इसके बाद में ये धीरे 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 खत्म होना शुरू हो जाएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सुनो। अभी जस्ट ओवुलेशन है, ये जो बचा हुआ पार्ट है ग्राफियन फोलिकल का, जो बचा हुआ पार्ट, इसके बारे में डिटेल बताएंगे, परेशाना ना, छूटेगा कुछ नहीं। ये बड़ा हुआ, ये जो बचा हुआ पार्ट, इसे बोलते हैं कॉर्पस। क्या कॉर्पस? क्या ना? ल्यूटियम नहीं, कॉर्पस ल्यूटियम नहीं, कॉर्पस हेमोरेजियम। हेमोरेजियम, कॉर्पस हेमोरेजियम, इसको रेड बॉडी बोलते। फिर ये आगे डेवलप होगा कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम, और कॉर्पस ल्यूटियम ही वो एंडोक्राइन स्ट्रक्चर है जो निकालेगा प्रोजेस्टेरॉन नाम का हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन नाम का हार्मोन, कॉर्पस ल्यूटियम। फिर अगर प्रेगनेंसी होती है, फर्टिलाइजेशन होता है, निकला हुआ सेकेंडरी ओसाइट ये अगर फर्टिलाइज कर जाते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम बरकरार रहेगा। अगर ये निकला हुआ सेकेंडरी ओसाइट फर्टिलाइज नहीं करता स्पर्म से, तो कॉर्पस ल्यूटियम चला जाएगा कॉर्पस एल्बिकेंस में, कॉर्पस एल्बिकेंस में। तो आप लोगों से नीट में भी, अब बेटा याद रखना, नीट में भी सवाल पूछ लेते हैं कि ये बताइए कॉर्पस, कॉर्पस वाला हिस्सा आप बता दे रहे, कॉर्पस का ऑर्डर कैसे होगा? तो याद रखना, कॉर्पस हेमोरेजियम, कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस एल्बिकेंस, याद रखिएगा। सवाल ये कि इसमें येलो बॉडी किसे कहते हैं? ए बेटा, येलो बॉडी किसे कहते हैं बताओ ना, येलो बॉडी किसे कहते हैं बताओ ना, येलो बॉडी किसे कहते हैं? येलो बॉडी किसे कहते हैं? जल्दी जवाब दे दो, येलो बॉडी किसे कहते हैं? सुबुई, ये हो गया तुम्हारा येलो बॉडी, येलो बॉडी, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम को एक सवाल और भी है। ना ना, कॉर्पस ल्यूटियम को बोलते हैं येलो बॉडी। अरे सुनो, इसको बोलते हैं कॉर्पस हेमोरेजियम को बोलते हैं रेड बॉडी, बोल सकते हैं क्योंकि उसमें ब्लड के क्लॉट थोड़ा पड़े रहते हैं हल्का सा। इसको बोलते हैं येलो बॉडी, इसको बोलते हैं व्हाइट बॉडी, बोल सकते हैं क्योंकि वैसे दिखने लगते हैं। सवाल मेरा एक और है, अभी मैं इसको बाहर निकालूंगा, मैच्योर ग्राफियन फोलिकल को आपको अच्छे से दिखाऊंगा, मैं बता रहा हूं। ये प्राइमरी फोलिकल, ये सेकेंड प्राइमरी फोलिक, ये प्राइमोडियल फोलिकल, ये प्राइमरी फोलिकल, ये सेकेंडरी फोलिकल, ये कौन सा हार्मोन निकालते हैं बताओ, जल्दी बताओ भाई। भीमराज कुशवाहा, इंडियन तड़का, उसामा फैज, कैफ, सुब्बू ही बताओ, ये कौन सा हार्मोन निकालते हैं? ये कौन सा हार्मोन निकालते हैं? ये डेवलपिंग फोलिकल कौन सा हार्मोन निकालते हैं? जल्दी बताओ, जवाब दो। एस्ट्रोजन, वेरी गुड सुम्बुल, कुलसुम है ये डेवलपिंग फोलिकल निकालते हैं एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन, वेरी गुड। एस्ट्रोजन, एफएसएच नहीं बाबू, एस्ट्रोजन। ना ना, एफएसएच की वजह से ये डेवलप्ड होते हैं। देखो सारे हार्मोन हम यहीं पे क्लियर अगर कहो तो कर दें, लेकिन जरूरत अभी नहीं है क्योंकि हमें अलग से पढ़ाना है। ये जो फोलिकल डेवलप हो रहे हैं ना, मतलब प्राइमोडियल फोलिकल गया प्राइमरी फोलिकल में, प्राइमरी फोलिकल गया सेकेंडरी फोलिकल में, सेकेंडरी फोलिकल गया टर्शियरी फोलिकल में, टर्शियरी फोलिकल गया ग्राफियन फोलिकल में, ये जो फोलिकल है ये एफएसएच की वजह से डेवलप हो रहे हैं। लेकिन ये जो डेवलप फोलिकल है, ये एक हार्मोन निकालते हैं, साथ साथ एक हार्मोन निकालते चलेंगे जिसका नाम है एस्ट्रोजन, ये दिमाग में रखिएगा, एस्ट्रोजन बेटा। और हाँ, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ये लेयर है बेटा, ट्यूनिका एल्बुजिनिया के बाहर कुछ लेयर पाई जाती है, ऐसे ऐसे ऐसे, देखो ऐसे 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 ऐसे, पूरे नहीं बनाएंगे, बहुत बड़ा है, ठीक है। इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम, जर्मिनल एपिथेलियम। मेरे बच्चों कंफ्यूज मत होना, अभी देखो कुछ बच्चों का, सर जर्मिनल एपिथेलियम कह दिया, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं ओवम बनाएगा, क्योंकि जर्म शब्द उसी के लिए, देखो जर्मिनल सेल, जर्मिनल सेल, तो जर्मिनल सेल क्या बनाएंगे बेटा, ओवम या गोनेड या कोई सेक्स सेल बनाएंगे। लेकिन साइंटिस्ट को भी पहले ऐसे लगता था कि ये जर्मिनल एपिथेलियम ही ओवम बनाता है, इनको साइंटिस्ट को पहले ऐसे लगता था, लेकिन बाद में पता चला ना, बाद में पता चला ना, ये तो कुछ और। जर्मिनल एपिथेलियम सिर्फ ऐसे एक नॉर्मल लेयर है ऊपर, बस, और कोई काम नहीं इसका यहाँ पे, तो ये दिमाग में रखिएगा। दूसरी बात, प्राइमोडियल फोलिकल वगैरह हो गया है, और थोड़ा सा यहाँ पे समझने की कोशिश करते, पढ़ ही रहे हैं तो पूरा अच्छे से समझ ही लेते हैं। अभी हम समझाएंगे और भी एक बार समझाएंगे, क्योंकि मुझे पता है कुछ बच्चों को अभी बहुत अच्छे से क्लियर नहीं हो पाया है, तो उनको हम फिर से समझाएंगे बेटा। अच्छा बताइए, क्या सेकेंडरी ओसाइट को ही हम ओवम बोल सकते हैं? मेरा जवाब हाँ या ना में होना चाहिए। क्या सेकेंडरी ओसाइट को, ये जो निकला हुआ है, इसको ओवम बोल सकते हैं? देखिए क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, सेकेंडरी ओसाइट को ओवम बोल सकते हैं?
जल्दी जवाब दो। सेकेंडरी ऊसाइट को हम ओवम नहीं बोलते, ओवम सेकेंडरी ऊसाइट ओवम से जस्ट पहले की स्टेज है। ओवम तब होगा जब सेकेंडरी ऊसाइट डेवलप होगा, तब जाएगा ओवम में। अभी सेकेंडरी ऊसाइट में मियोसिस होना है बेटा, वो हमें पढ़ाना है, मियोसिस होना है। जब स्पर्म मिलेगा, जब स्पर्म सेकेंडरी ऊसाइट के अंदर जाएगा, तभी मियोसिस टू होगी, तभी मियोसिस टू होगी और तभी फिर ओवम में डेवलप होगा। अभी ओवम नहीं है, सेकेंडरी ऊसाइट ओवम नहीं है। ये सेकेंडरी ऊसाइट डीजनरेट हो जाता है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो ये सेकेंडरी ऊसाइट डीजनरेट हो जाएगा, खत्म बात। देखो कंफ्यूज मत हो ना, मैं बार 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 यहाँ पे टोक रहा हूँ आपको, यहाँ पे कुछ समझना है हमको, थोड़ा सा हम बाहर कुछ चीजों को निकालते हैं। ए बेटा मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल को हम थोड़ा बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। और आप तो सोच रहे हो कि सर बोर्ड भी तो सब भर गया है, तो एक बार हम बोल ही देते हैं। हाँ जब तक तो फर्टिलाइज ना, एक बार और बोल ही देते हैं। चलो एक काम कर, सर ओवरी की बात कर रहे थे, कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो गया सर। सर ये ओवरी है, ओवरी के ऊपर ये लेयर होती है जिसको बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया बोलते हैं सर। सर इसका जो ये अंदर वाला पार्ट है पूरा कहलाता है स्टोमा, अंदर वाला पार्ट। स्टोमा कहीं और भी पढ़ता होगा मुझे पता है, क्लोरोप्लास्ट में पढ़ते होगे तुम लोग, टैलेंटेड हो ना, क्लोरोप्लास्ट में पढ़ते होगे। ये है, और सर स्टोमा के दो पार्ट, आउटर वाला कहलाता है कॉर्टेक्स, इनर वाला कहलाता है मेडुला। सर कॉर्टेक्स में ही पाए जाते हैं फॉलिकल, सर कॉर्टेक्स में ही जब पाए जाते हैं फॉलिकल, मेडुला को कोई खास रोल इतना नहीं है, कोई वैसा काम नहीं होता। फिर उसके बाद सर इसमें मेनली ना फॉलिकल का डेवलपमेंट, मतलब ओवरी का काम क्या होता है कि हर महीने एक ओवम को प्रोड्यूस करना। लेकिन ओवम प्रोड्यूस कैसे होगा सर, ये फॉलिकल होते हैं, हम एक फॉलिकल की बात अभी पकड़ रहे हैं बेटा। हर ओवरी में जब एक लड़की 12-13 साल की होती है बेटा, 13 साल की होती है, तो उसके हर ओवरी में 60,000 से 80,000 फॉलिकल पाए जाते हैं। और उसमें से 60,000 से 80,000 फॉलिकल प्राइमरी फॉलिकल पाए जाते हैं, वही फॉलिकल धीरे धीरे डेवलप करके ओवम प्रोड्यूस करते हैं। तो हर ओवरी में है, याद रखना, भी बहुत सवाल है इस पे। तो एक को हम पकड़ते हैं, कैसे होता है सर, ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल है, इसके ऊपर ग्रैनुलोसा सेल की लेयर आ जाती है तो उसे बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल, फिर ग्रैनुलोसा सेल और लेयर आ जाती है तो उसे बोलते हैं सेकेंडरी फॉलिकल, और लेयर आती है तो टर्शियरी फॉलिकल, फिर उसमें बेटा सर एक कैविटी आ जाती है, तो हम उस कैविटी आने के बाद कहते हैं मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बोल देते हैं बेटा, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बोल देते हैं बेटा, कोई बात नहीं ठीक है। सर ये जो लेयर आ रही है सर, आप जो फॉलिकल फॉलिकल प्राइमरी सेकेंडरी, ये लेयर है कौन सी, ये लेयर है कौन सी, कह रहे हैं ग्रैनुलोसा सेल की लेयर होती है। यहां से लेकर प्राइमोर्डियल फॉलिकल से लेकर, प्राइमोर्डियल फॉलिकल से लेकर टर्शरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल तक क्या होते हैं, ग्रैनुलोसा सेल। अब सुनना यहां पे कौन सा डिवीजन हो जाता है, कोई बता सकता है यहां पे डिवीजन कौन सा होता है, आखिर सेकेंडरी ऊसाइट क्यों बने, यहां से यहां तक प्राइमरी ऊसाइट है, देखो यहां से यहां तक प्राइमरी ऊसाइट है, यहां 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 प्राइमरी ऊसाइट है, कौन सा डिवीजन होता है, मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट होने की वजह से बेटा ये सेकेंडरी ऊसाइट बन जाते हैं। असल में होता क्या है ना, कुदरत कहता है कि एक बात करो, एक काम करो बेटा, ये जो फीमेल है, ये कुदरत कहती है कि एक काम करो तुम डिवाइड मत करना, तुम अभी रुके रहना। तो ये ना गुस्सा हो जाती है कि क्यों मुझे डिवाइड नहीं करना है, मुझे मियोसिस फर्स्ट करने दो, मुझे मियोसिस फर्स्ट करने दो, मुझे करना है तो करना है। अब क्योंकि ठहरी महिला, शोर तो मचाएगी, तो ये ना आस पड़ोस शोर मचाना शुरू कर देती है, खूब जोर जोर से शोर मचाती है कि देखो मुझे डिवाइड करने नहीं दिया जा रहा है, मुझे डिवाइड करने नहीं दिया जा रहा है। तो फिर ये आसपास की सेल को इकट्ठा करना शुरू कर देती है। पहले तो ये ऐसे होते हैं बिना सेल के, बिना लेयर के ही होते हैं, मैंने लेयर बना रखी, बिना लेयर के होते हैं, तो ये शोर मचाना शुरू कर देती है प्राइमरी ऊसाइट, कहते हैं कि नहीं मुझे तो करना है, तो सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं, और ये इकट्ठा होके, ये जो इकट्ठा होते हैं ग्रैनुलोसा सेल कहलाती है। फिर ये अपनी आपबीती बताती है, तो ये कहती है कि नहीं मैं डिवाइड तो करूंगी, मियोसिस फर्स्ट मैं डिवाइड तो करूंगी। कुदरत कहता है ठीक है भाई कर ले, मैं देखता हूँ तुम्हें आगे, ऊपर वाला भी कहता है मैं देखता हूँ। तो फिर ये बाद में इनको रोक ही देता है, जब तक स्पर्म जाएगा नहीं तो आगे डिवाइड होगा ही नहीं, है ना, मियोसिस टू होनी नहीं है। तो अब समझना क्या है सर, ये डेवलप्ड फॉलिकल निकालते हैं एस्ट्रोजन। सर ये हो गया ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल के बारे में हम अच्छे समझाते हैं। सर ग्राफियन फॉलिकल क्यों कहते हैं, क्योंकि बीच में कैविटी आ जाती है, उस कैविटी को हम एंट्रम बोलते हैं, एंट्रम बोलते हैं। इसके अंदर सेकेंडरी ऊसाइट, सर 14th डे जब एमसी का होता है तो इसके अंदर ओवुलेशन होता है, ओवुलेशन के दौरान सेकेंडरी ऊसाइट बाहर निकल जाता है, जो बचा हुआ पार्ट होता है उसे बोलते हैं कॉर्पस हेमोरेजियम। फिर वो कॉर्पस हेमोरेजियम और डेवलप होता है, बनता है कॉर्पस ल्यूटियम, जो कि निकालता है प्रोजेस्टेरोन नाम का हार्मोन। फिर अगर ये फर्टिलाइज हो गया, सेकेंडरी ऊसाइट अगर फर्टिलाइज हो गया बेटा, तब तो ये कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहेगा, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन का निकलना जरूरी है, प्रेगनेंसी के लिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जरूरी है। लेकिन अगर बेटा ये फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये बन जाएगा कॉर्पस एल्बिकेंस।
हाँ अरेस्ट होंगे, सही बात है, सुबुई अरेस्ट डिप्रोटीनेशन, वेरी गुड, सही बात है, वो अभी आगे आएगा जब ओजेनेसिस बढ़ाएंगे ना उसमें आ जाएगा। सवाल मेरा यही है, अब देखो हमें ये पढ़ना है, ये ग्राफीन फोलिकल को थोड़ा सा टफ है, नाम अच्छे अच्छे हैं, इसको मैं मिटाने जा रहा हूं अभी, नहीं आएगा तो सुनना दोबारा, क्योंकि लेक्चर थोड़ा सा तेज करना होगा बेटा हमको, सिलेबस भी टाइम से आप लोगों को खत्म करना है। एक ये करते हैं हम ग्राफियन, वो ग्राफियन फोलिकल को उठा लेते हैं, ग्राफियन फोलिकल, ग्राफियन फोलिकल को उठा लेते हैं बच्चे, आओ देखते हैं मैच्योर ग्राफियन फोलिकल के बारे में, बहुत काजे सुनना मैच्योर ग्राफियन फोलिकल के बारे में। देखो बीच में है सेकेंडरी ऊसाइट, इनकी अपनी खुद की एक सेल होती है, फिर चारों तरफ भी एक सेल 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 घूमी 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 घूमी, फिर ये एक और लेयर होती घूमी 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 घूमी, ठीक है। आओ देखते हैं क्या ये जो है सेकेंडरी उस साइड के पास ये जो लेयर है इसको बोलते हैं डिस्कस प्रोलेजिनस, प्रोलेजिनस, डिस्कस प्रोलेजिनस, ठीक है, सॉरी प्रोलिजिनस, प्रोलिजिनस, सुनो सेकेंडरी ऊसाइट, ये क्या बेटा सेकेंडरी ऊसाइट, सेकेंडरी ऊसाइट, सेकेंडरी ऊसाइट के ऊपर जो लेयर होती है उसे बोलते हैं डिस्कस प्रोलिजिनस, प्रोलिजिनस, दिमाग में रखना थोड़ा टफ मैं शब्द ले रहा हूं, डिस्कस प्रोलिजिनस, और इसकी जो कैविटी है इसमें जो फ्लूइड भरा होता है इस कैविटी को बोलते हैं एंट्रम, एंट्रम बोलते हैं, और चारों तरफ एक लेयर है, देखो तुमने देखा होगा इस लेयर को बोलते हैं ग्रेनुलोसा मिम्ब्रेन या मिम्ब्रेना ग्रेनुलोसा, कुछ भी बोल सकते हो कोई दिक्कत नहीं, मिम्ब्रेना ग्रेनुलोसा, मिम्ब्रेना ग्रेनुलोसा, और ये दो पार्ट में होती है बेटा, ये दो पार्ट में होती है, एक्सटर्नल हो जाएगा, हो जाएगा ठीक है, ठीक है, एक्सटर्नल ठीक है, इंटरनल वो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है कभी कभी, तो सुनो सवाल मेरा ये कि मिम्ब्रेना ग्रेनुलोसा जो लेयर होती है थीका एक्सटर्ना थीका इंटरना, तो बताओ इसमें ना 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 कोरोना रेडिएटर नहीं आएगी बाबू, वो ओवम का स्ट्रक्चर मेरे लाल, वो ओवम का स्ट्रक्चर है डॉक्टर ओएमजी, मत जाओ वहां पे, मत कंफ्यूज हो, ये मैं ग्राफियन फोलिकल का स्ट्रक्चर भी बता रहा हूँ, मतलब अभी अभी तो ओवुलेशन ही नहीं हुआ है बच्चे, ये मैं ग्राफियन फोलिकल का बता रहा हूँ ना कि ओवम का बता रहा हूँ, ओवम का स्ट्रक्चर अलग से बताऊंगा मैं, डिस्कस प्रोलिजिनस मिम्ब्रेना ग्रेनुलोसा थीका एक्सटर्ना थीका इंटरना, आपका सवाल ये है बताओ थीका एक्सटर्नल थीका इंटरनल में कौन सा हार्मोन निकालती है, ये आपका सवाल है, आप ढूंढ के हमको बता दीजिएगा अलग से भी। दूसरा पॉइंट ए बेटा, बहुत क्लासेस चल रही है क्या मेरी, देखिए क्योंकि रुके ले, आप लोग यहाँ पे जवाब दे दीजिए कि आप लोगों को सुनाई पड़ रहा है, ठीक है बेटा, यस या नो कह दो, डॉक्टर ओएमजी और बच्चे सब यस नो कर दो, हाँ ठीक है, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था कि सुनाई पड़ रही कि नहीं आवाज, हाँ ठीक है, सुनो ना, सुनो ना, ये हो गया सेकेंडरी ऊसाइट, ये हो गई ग्रेनुलोसा लेयर, लेकिन तुम गौर से देखो, आंखों से देखना, लेकिन आंखों से गौर से देखो, ये सेकेंडरी ऊसाइट और ये जो बाहरी लेयर है ये एक जगह पे मिली हुई है, ये स्ट्रक्चर कहलाता क्या है, कहते हैं ये स्ट्रक्चर कहलाता है क्यूमुलस ऊफोरस, क्यूमुलस ऊफोरस, बस पूछा गया है गाइड, मैंने देखा जब मैं एसएससी में पढ़ा रहा था वहां पे सवाल था, बच्चे लेकर आए भी थे हमदर्द वाले, उनका कथा कि सर ये क्या है, तो क्यूमुलस ऊफोरस याद रखिएगा क्या होता है, ठीक है बेटा, तो ये सेकेंडरी ऊसाइट के बारे में आप पॉइंट याद रखिएगा, सेकेंडरी ऊसाइट इसे कहते, सॉरी ग्राफियन फोलिकल है, मैच्योर ग्राफियन फोलिकल का स्ट्रक्चर ये होता है, ये दिमाग बैठा रखिएगा। दूसरा ओवम के बारे में अभी कहिए, देखिए अभी यहाँ पे ओवम के बारे में हमको नहीं पढ़ना है, जब हम ओजेनेसिस पढ़ाएंगे तो बेटा ओजेनेसिस में हम ये पढ़ाएंगे कि ओजेनेसिस जो होती है वो बर्थ के बाद कोई खेल नहीं होता है, ओजेनेसिस बर्थ से पहले सारा खेल होता है, तो ओजेनेसिस में मैं ये बताऊंगा कि एक लड़की जब 3 महीने की होती है उसके अंदर कितने फोलिकल होते हैं, जब वो 4 महीने की होती है तो किसके कितने फोलिकल, जब वो 5 महीने का कितने फोलिकल होते हैं, जब वो पैदा हो जाती है कितने फोलिकल होते हैं, प्यूबर्टी तक जाती है कितने फोलिकल होते हैं, वो सब वहां पे बताया जाएगा बेटा, वालेकुम अस्सलाम कादिर, तो वहां तक बताएंगे हम, यहाँ पे सिर्फ एक स्ट्रक्चर याद रखना, और जब स्पर्म को निकाल लेंगे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तब ओवम के बारे में बताया जाएगा, ओवम के बारे में यहाँ नहीं पढ़ना, ओवम पहले बनाया तो पहले स्पर्म तो वहां फर्टिलाइजेशन तो हो, तो ओजेनेसिस में बताऊंगा, परेशान ना रहना, अभी दिमाग में सिर्फ इतना रखना बेटा, तो स्पर्म मिटा दे रहे हैं।
तो छूटेगा नहीं आपका कुछ, ये परेशान ना रहो बेटा, छूटेगा नहीं कुछ। अभी हार्मोन कंट्रोल बताना है, यूजेनेसिस बताना है, अभी बहुत कुछ है। आओ दूसरे एक डक्ट के बारे में बात करते हैं, फेलोपियन डक्ट। फेलोपियन ट्यूब टिब्यूल, या फेलोपियन डक्ट भी कह सकते हो, फेलोपियन ट्यूब जिसको हम बोलते हैं बेटा ओवी डक्ट, फेलोपियन डक्ट को बोलते हैं ओवी डक्ट, ओवी डक्ट। ठीक है, आप सुनो, अगर हम ओविडक्ट के बारे में बात करें तो हम तो पहले बता चुके थे, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर था ऐसा। ये क्या था? फिम्ब्री। फिम्ब्री ये क्या था? इन्फंडिबुलम। ये एक फूला हुआ पार्ट एम्पुला, ये वाला पार्ट एस्थमस। सवाल मेरा ये है कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, इन्फंडिबुलम में, फिम्ब्री में, एम्पुला में, एस्थमस में? बताओ कहाँ होगा फर्टिलाइजेशन, कहाँ होगा मेरे बच्चों, जल्दी जवाब दे दो। एम्पुला। वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब था डॉक्टर एम जी का। ओ माय गॉड भाई, अगर तुमसे ये पूछे कहाँ पे होता है तब तो आपका जवाब आएगा एम्पुला, लेकिन आपसे जवाब ये पूछे जंक्शन बताओ तब क्या बताओगे? तो ऑप्शन इनफंडिबुलम एम्पुलरी जंक्शन, या एम्पुलरी स्थेमस जंक्शन, या स्थेमस और यूटरस के जंक्शन पे, तब आपका जवाब क्या होगा? तब जवाब क्या होगा नहीं पता, चलिए कोई बात नहीं। फेलोपियन ट्यूब के बारे में हम बता चुके हैं, दोनों तरफ रहेगा, एक तरफ लूला नहीं रहेगा सर, दोनों तरफ रहेगा। ठीक है, एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन, वेरी गुड सर। ये ना सर, इसमें ना ये ना 12 से 14 सेंटीमीटर का होता है, क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा है तो हमको भी बोलना पड़ रहा है। और जो इसका ल्यूमेन होगा बेटा, देखो यहाँ पे हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं, ये जो इसका ल्यूमेन होगा, ये जो ल्यूमेन है, ये बीच की जगह जो है इसे बोलते हैं ल्यूमेन, खाली जगह। इसमें सिलिएटेड एपिथिलियम होता है। कौन सा एपिथिलियम होता है बेटा? तो एक पॉइंट लिखना, ल्यूमेन इज लाइंड बाई, ल्यूमेन इज लाइंड बाई सिलिएटेड एपिथिलियम। क्योंकि एग जो होता है वो वैसे भी एग जो है उसके अंदर तो कोई फ्लैजला और सिलिया तो होता नहीं है उसको, लेकिन मूव करते रहना तो ये लोग मूव करवाते हैं, सिलिएटेड एपिथिलियम। सिलिएटेड एपिथिलियम, वेरी गुड। और सुनो, फेलोपियन ट्यूब ही प्रोवाइड, फेलोपियन ट्यूब ही प्रोवाइड सुटेबल एनवायरमेंट, देखें कितने बच्चे जवाब देते हैं, फॉर इम्प्लांटेशन की फर्टिलाइजेशन। सवाल मेरा यह है कि इम्प्लांटेशन के लिए कि फर्टिलाइजेशन के सुटेबल सुटेबल एनवायरमेंट देते हैं? ये इम्प्लांटेशन के लिए सुटेबल एनवायरमेंट प्रोवाइड करते हैं कि फर्टिलाइजेशन के लिए सुटेबल एनवायरमेंट प्रोवाइड करते हैं? देखें जवाब क्या आता है। फर्टिलाइजेशन, वेरी गुड। फर्टिलाइजेशन फॉर, फर्टिलाइजेशन फॉर, फर्टिलाइजेशन जेड से भी लिख सकते हो, एस से भी लिख सकते हो, अलग अलग जगह पे अलग अलग, कोई दिक्कत नहीं फर्टिलाइजेशन के लिए। और सुनो, इसके तीन पार्ट सर, इसके थ्री पार्ट्स होते हैं। किसके? फेलोपियन ट्यूब के थ्री पार्ट्स। एक तो इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम ये है, इनफंडिबुलम याद रखना है, ये चौड़ा सा फनल शेप का होता है बेटा, ब्रॉड फनल शेप स्ट्रक्चर है, चौड़ा सा फनल शेप स्ट्रक्चर है, फनल शेप्ड सर, ब्रॉड फनल शेप होता है। और सुनो ना, ये बनाता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फॉर्म्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। और इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को बोलते हैं फिम्ब्री, कॉल्ड फिम्ब्री। फिम्ब्री, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फिम्ब्री? हाँ, मिलेरियन डक्ट, सही है, मिलेरियन डक्ट भी बोलते हैं, सही कह रहा है ना, समझ लिख सकते हो, मिलेरियन डक्ट भी बोलते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फिम्ब्री? देखे कौन बताता, वेरी गुड सैफ खान ओवर कलेक्शन, वेरी गुड। और देख ले कौन बताता है, जल्दी से जवाब दे दो, क्या किसी को पता है कि नहीं है? मेरे प्यारे बच्चों जल्दी दो यार, जिंदा होने का सबूत दिया करो। कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी ओसाइट, वेरी गुड भाई ओवम, बहुत अच्छा। कनिका भट्ट ने भी जवाब दिया है, कनिका ही भट्ट है ना, कनिका कपूर है, ठीक है, कनिका भट्ट है। फिम्ब्री, कलेक्शन ऑफ ओवम या सेकेंडरी ओसाइट, बात वही है, थोड़ा सा फर्क है भाई, हम बता चुके हैं, ड्यूरिंग ओवुलेशन, ओवुलेशन के दौरान बेटा। अतुल कादिर का सही जवाब है, वेरी गुड। और सुनो ना, सुन भी लो ना,
सोलन पार्ट दूसरा पार्ट होता है वो कहलाता है बेटा, दूसरा पार्ट जो कहलाता है वो एम्पुला कहलाता है, जो कि फूला हुआ पार्ट होता है। वैसे भी जहां जहां फूला हुआ, जहां जहां सूजन आती है, सूजन मतलब स्वेलिंग वाला, फूला हुआ पार्ट, किसी डक्ट का जो फूला हुआ पार्ट होता है उसे हम एम्पुला ही बोलते हैं। एक जगह नहीं, कई जगह पड़े हो, मेमरी ग्लैंड में भी पढ़ोगे तुम, काहे परेशान हो, ठीक है। वाइडर पार्ट उसे बोलते हैं। और सुनो ना, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट सर, यही पे होता है फर्टिलाइजेशन, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। दिमाग बैठा लेना, मैं बता रहा हूँ, बारीकियों को समझते चलना है। नीट के बच्चों अगर बनना है, जो नीट वाले हो गए उनको भी, और जो नीट करना है उनको बहुत, 12th वालों चलो ठीक है, आप लोग तो यहाँ पे खड़ा लिख दोगे, यही सब लिखना है, आप देख लेना उठा के। लेकिन जो नीट वाले ना, वो उन्हें चोर की तरह होना चाहिए, नीट वाले बच्चों की चोरों की तरह होना चाहिए। पूरा लेक्चर हो रहा है, पूरी पढ़ाई कराई जा रही है, उसमें बातें जरूरी नहीं कि हर बात इंपॉर्टेंट बोली जाए, कुछ बात समझाने के लिए होती है। लेकिन आपका फोकस होना चाहिए एक लाइन के, एक वर्ड पे, देखो कि कहाँ पे ये पॉइंट को हमें पिक करना है, ठीक है बेटा। ये सब दिमाग में बैठा के चलना है। और ये बेटा जो लास्ट पार्ट है, जिसको हम बोलते हैं क्या बेटा, बेटा बेटा इस्थमस, कुछ काम नहीं इसका, बस याद करना कि नैरो पार्ट होता है। कभी कभी सवाल पूछते हैं छोटा और नैरो पार्ट है, शॉर्ट एंड नैरो पार्ट। 12th वाले हर जगह बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, नीट वाले बच्चे हर जगह पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन आप लोग जो है पढ़ाई नहीं कर रहे हो, क्योंकि 12th वाले को मैंने देखा पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहे हैं। वो कुछ है बच्चे, तो कुछ को हम पढ़ाई नहीं कह सकते, वो सोचते हैं कि यार आराम से बैठो, देखा जाएगा बाद में, हम वीडियो देख लेंगे, लाइव लेक्चर। तो भाई मैं भी तो कर सकता हूँ, एक काम ये कर सकता हूँ कि वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, आराम से पढ़ो। लाइव पढ़ाने का क्या मतलब हुआ फिर? तो यार इस चीज को समझो। और नीट वाले बच्चे इस वक्त तो एकदम सुस्त हो चुके हैं, जो अभी हमारे जानने वाले हो रहे हैं। खैर कोई बात नहीं बेटा, आगे देखा जाएगा। तो बेटा याद रखना, फेलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट या म्यूडेरियन डक्ट 12 से 14 सेंटीमीटर को होते हैं, ल्यूमेन इनकी सिलिडिड एपिथेलियम पाई जाती है, ये सुटेबल एनवायरमेंट करते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए, ना कि इम्प्लांटेशन के लिए। इनके तीन पार्ट होते हैं, इनफंडिबुलम, एम्पुला, इस्थमस। इनफंडिबुलम जो चौड़ा सा फनल शेप का पार्ट होता है, जो कि आगे फिंगर लाइक पोजीशन बनाता है, जिसे बोलते हैं फिम्बरी। फिम्बरी का काम होता है ओवम या सेकेंडरी ओसाइट का कलेक्शन ओवुलेशन के दौरान। और एम्पुला जो होता है, ये फूला हुआ पार्ट होता है, जो कि फर्टिलाइजेशन की जगह है, मतलब मेन फर्टिलाइजेशन एम्पुला में ही होता है। और इस्थमस ये छोटा और नैरो पार्ट होता है। कभी कभी जंक्शन की बात करेंगे, तो जंक्शन की जब बात करेंगे तो कहना एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन, एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन, अगर जंक्शन की बात करते हैं तो इसमें याद रखिएगा ये पॉइंट। और थोड़ा सा हम चलते हैं यूटरस के बारे में, छोटे छोटे पॉइंट है तो फटाफट पढ़ डालते हैं बेटा, छोटे छोटे पॉइंट तो फटाफट पढ़ डालते हैं, छोटे छोटे पॉइंट तो फटाफट पढ़ डालते हैं। यूटरस, देखो यूटरस में हम तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा भी बताएंगे, तैयार रहना। लेकिन वो ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ाएंगे, हल्का सा। चलो यूटरस को हम बोलते हैं वॉम, कोक, ठीक है, या फिर इसी को हम बोलते हैं हिस्टेरा, हिस्टेरा। उर्दू में इसको बोलते हैं रहम, रहम, यूटरस। अब सुनना, पहला सवाल, यूटरस, वॉम या हिस्टेरा, ये बेटा इन्वर्टेड पियर शेप होते। मैं तुम्हें डायग्राम में बता चुका हूं, बार बार डायग्राम नहीं बनाऊंगा। इन्वर्टेड पियर शेप, पियर शेप, जिसको हम बोलते हैं पायरीफॉर्म, इन्वर्टेड पियर शेप, पायरीफॉर्म। पता नहीं कैसे इनको लगता है कि भाई ऊपर से चौड़ा नीचे से पतला, वैसे तो नाशपाती क्या होती, खाया नाशपाती ना, नाशपातिया छोटी सी होती है, ऊपर पतली नीचे चौड़ी होती है, तो उसी को उल्टा कर दो, वैसे लगता है यूटरस, ठीक है, इन्वर्टेड पियर शेप। और हाँ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कहते हैं यूटरस ही वो जगह है, इट इज द साइट ऑफ इम्प्लांटेशन। सर ये इम्प्लांटेशन यानी एम्ब्रियो के या जायगोट के, एम्ब्रियो के इम्प्लांटेशन की जगह मानी जाती है, जहां एम्ब्रियो आके धसता है, इम्प्लांटेशन। और हाँ डेवलपमेंट ऑफ बेबी, डेवलपमेंट ऑफ बेबी, डेवलपमेंट ऑफ बेबी। सर यहाँ बेबी डेवलप भी करता है भाई, गेस्टेशन पीरियड, हाँ फीटल ग्रोथ भी, सैप कहना इम्प्लांटेशन भी, ओएमजी सही कह रहे हैं। और सुनो मैं तुम्हें यहाँ पे टाइप्स ऑफ यूटरस भी बताऊंगा, तुम में कौन सा यूटरस, यूटरस है तुम में, मतलब यहाँ फीमेल में कौन सा यूटरस है, और भी यूटरस के टाइप्स बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे हमें थोड़ा सा लेयर के बारे में पढ़ना, लेयर बताओ कौन कौन सी लेयर, आपको पता है तीन लेयर थी बेटा,
तीन लेयर थी, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। देखो थोड़ा सा यहां पे समझना एक्स्ट्रा होगा, पेरीमेट्रियम आउटर है, नाम ही लग रहा, पेरीफेरी यानी आउटर, लिख सकता हूं आउटर से इनर लिखा हूं, एंडो मतलब अंदर वाली, याद रखना एंडो मतलब अंदर वाली, और मायो का मतलब मिडिल वाली, ठीक है। ये बनी होती सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की। स्क्वेमस सेल वो होती है जो चपटी चपटी सी होती है, चपटी चपटी का मतलब फ्लैट। एनिमल टिश्यू 11th में ये लिखा है, फ्लैट इररेगुलर बाउंड्रीज स्क्वेमस की पहचान है बेटा, ठीक है। और ये वाली जो होती बीच वाली, ये होती थिक स्मूथ, सुनो ना, मोटी और स्मूथ। जब पार्चुरेशन का वक्त आता है, जब डिलीवरी का वक्त होता है, तो उस वक्त यही मायोमेट्रियम ही यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन करवाती है, यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन करवाती है ताकि बेबी पुश हो सके। तो याद रखिएगा, ये करवाती है यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन, यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन, यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन। और दूसरी बात, एंडोमेट्रियम क्या होती है बेटा, ये हाईली वेस्कुलराइज्ड होती है। देखो याद रखना, हाईली वेस्कुलराइज्ड, वेस्कुलराइज्ड का मतलब होता है ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं इसमें, वेस्कुलराइज्ड मतलब ब्लड वेसल्स की सप्लाई अच्छी खासी होती है। और दूसरी बात, ये सिलिएटेड कॉलमनर एपिथिलियम पाया जाता है इसमें, सिलिएटेड कॉलमनर एपिथिलियम। कॉलमनर मतलब लंबी लंबी सी। देखो कुछ बच्चे क्या होते हैं, जब लाइव क्लास चलाई जाती है या फिर यूट्यूब पे उनको देखना पड़ता है या लाइव क्लास चल रही होती है, तो वो क्या करते हैं, 5-10 मिनट क्लास किए उसके बाद भाग लिए। मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ, फिर उसके बाद उनको ना जब कोई वीडियो पढ़ने वाली होती है तो वो नहीं देखते, कहते क्या यार पढ़ लेंगे। लेकिन उसी यूट्यूब पे बैठ के वो घंटों टिकटॉक से लेकर फालतू की वीडियो से लेकर, क्योंकि कुछ बच्चे थे मेरे तो उन्होंने मुझे भेजा ये लिंक देखिए वीडियो की, और वो लगभग थी मैं लगता 30-20 मिनट, 20-25 मिनट की थी, तो वहां पर उनका वक्त चला जाएगा फालतू चीजों में, टिकटॉक देखेंगे, ये वीडियो देखेंगे, प्रैंक वीडियो देखेंगे, जिसका कोई हल नहीं निकलना है। लेकिन जब यहाँ पे लाइव क्लास पढ़ना है इस लेवल पे, वो करो ना अपना, वो उसको करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको भी तो देखो, सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम बेटा। और हाँ, इसी में ही, इसी लेयर में ही इम्प्लांटेशन होता है, इसी लेयर में ही इम्प्लांटेशन होता है, यही समझना, इम्प्लांटेशन टेक्स प्लेस इसी लेयर में ही इम्प्लांटेशन होता है, एंडोमेट्रियम में ही इम्प्लांटेशन होता है। और यही वो लेयर है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, एमसी के दौरान, एमसी के दौरान इसी में ही क्या होता है, बदलाव आते हैं, चेंजेस इसी में, यानी यही ब्रेक ऑफ होती है, ब्रेक डाउन होती है, ब्रेक डाउन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, ब्रेक डाउन हो जाती, या फिर कहते हैं इसी में साइक्लिकल चेंजेस आते हैं, ये भी कह सकते हो आप, कर सकते हो। तो ये याद रखना, लेयर है पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम। दूसरा सवाल ये जरूर पूछा जाएगा कि बताओ वो कौन सी लेयर है जो पार्चुरेशन के दौरान, डिलीवरी के दौरान यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन करती है, तो कहना मायोमेट्रियम। वो कौन सी है जो नॉन वेस्कुलर है, कहना पेरीमेट्रियम। वो कौन सी है जो वेस्कुलाइज होती है, कहना एंडोमेट्रियम। वो कौन सी है जो सिलेटेड कोलोमनर एपिथेलियम, एंडोमेट्रियम। वो कौन सी है जिसमें इम्प्लांटेशन होता है, एंडोमेट्रियम। वो कौन सी है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ब्रेक होती है और ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, तो कहना एंडोमेट्रियम। सवाल देखो तुम लोग क्या बात है, अगर किसी फीमेल, कोई फीमेल है उसके यूट्रस में सिस्ट आ गई है या उसके यूट्रस में कैंसर की स्टार्टिंग हो गई है, तो डॉक्टर कहते हैं कि यूट्रस को निकालना पड़ेगा, तो यूट्रस का रिमूवल क्या कहलाता है, रिमूवल ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड, नोट बना के भी लिख देंगे हम, यूट्रस का रिमूवल क्या कहलाता है बताओ तरुण और भाई सारे बच्चों, यूट्रस का रिमूवल क्या कहलाता है, हिस्टेक्टोमी। वेरी गुड, वेरी गुड, रिमूवल ऑफ यूटेरस। कई वजह हो सकती है बेटा यूट्रस को रिमूव करने की, कई वजह है, इसे बोलते हैं हिस्टरेक्टोमी। वो आप कभी मां नहीं बन पाएंगी, जिनका अगर यूट्रस निकाल देगा वो मां नहीं बन पाएगी, भले फेलोपियन ट्यूब हो। हिस्टरेक्टोमी, अच्छा फेलोपियन ट्यूब को कट करना क्या कहलाता है यही बता दो, वहां रिप्रोडक्टिव हेल्थ में तो हम पढ़ेंगे ही। चलो जब नोट पढ़ रहे हैं, नोट में ही पढ़ लेंगे, नोट है, एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहे हैं, रिमूवल ऑफ ओवरी, बताओ ओवरी के रिमूवल को क्या बोलते हैं, ओवरी के रिमूवल को क्या बोलते हैं, देखो कौन बताता है, ओवरी के रिमूवल, वेरी गुड कनिका भट्ट, ऊफ्रेक्टोमी, ऊफ्रेक्टोमी।
और कट करना, कट कटिंग ऑफ, सर्जिकल कटिंग ऑफ फैलोपियन ट्यूब क्या कहलाता है? फैलोपियन ट्यूब का मतलब यहां पे समझ रहे हो, फैलोपियन ट्यूब क्या कहलाता है? ट्यूबेक्टोमी। वेरी गुड, ट्यूबेक्टोमी। तो तीन शब्द याद रखना, हिस्टेक्टोमी यूट्रस का निकालना, ओफरेक्टोमी ओवरी का निकालना, सर्जिकल रिमूवल करना, ट्यूबेक्टोमी फैलोपियन ट्यूब का निकालना। और मेल वाला मैं पढ़ा चुका हूं बेटा, उसको रिवाइज कर लेना बार बार, यहाँ पे बोलने से कोई मतलब नहीं है। आप जब तक नहीं पढ़ोगे, चाहे जितनी बार बोले आपको यहाँ पे याद हो जाएगा, वहां पे नहीं याद हो पाएगा बेटा, ठीक है। अच्छा एक सवाल और भी है मेरा, एक सवाल है, ह्यूमन बीइंग में फीमेल, ह्यूमन फीमेल में कौन सा टाइप का यूट्रस पाया जाता है? ऑप्शन सिंप्लेक्स टाइप, डुप्लेक्स टाइप, बाइपार्टाइट टाइप या बाइकॉनवेट टाइप। सिर्फ ये रखना प्लीज, इसके आगे जाने की कोशिश मत करना, कोई मतलब नहीं है। मैं सिर्फ छोटा सा बड़ा वहां पर एग्जाम्पल लिखवा दूंगा, ताकि कभी एग्जाम एग्जाम में आए तो एग्जाम में उतना ज्यादा नहीं पूछा। सिंप्लेक्स टाइप, वेरी गुड। क्या होता सिंप्लेक्स? वो नहीं दिमाग में रखना, सिंप्लेक्स मतलब दो पार्ट थे, दो अलग, एक इधर पार्ट, एक इधर वाला, एक इधर वाला, दोनों पार्ट मिलकर यूट्रस के एक हो जाए, कॉमन हो जाए, उसे बोलते हैं सिंप्लेक्स टाइप। यूटेरस फाउंड इन ह्यूमन, ह्यूमन यानी ह्यूमन फीमेल, सिंप्लेक्स टाइप का पाया जाता है, याद रखिएगा दिमाग में। डुप्लेक्स होता है चूहों में, डुप्लेक्स होता है चूहों में। बाइपार्टाइट, बाइपार्टाइट टाइप का जो होता है वो आपके कार्निवोरस टाइप में होता है, बाइपार्टाइट में जो होते हैं वो कार्निवोरस में होते हैं। और बाइकॉनवेट, बाइकॉनवेट जो होते हैं बेटा ये रैबिट में होते हैं। मेरी वीडियो सुन लेना, उसमें हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है उसमें, ठीक है। यूट्रस के पार्ट याद रखना, ऊपर वाला पार्ट यूट्रस का फंडस, बीच वाला कॉर्पस, नीचे वाला सर्विक्स। कोई पूछे इम्प्लांटेशन कहाँ होता है, बेबी डेवलपमेंट कहाँ होता है, कहना कॉर्पस या मेन वाले में। आओ हम तुम्हें एक बात बताते हैं कि जो सर्विक्स, सॉरी सर्विक्स जो होती है और सर्वाइकल कैनाल है और वजाइना, सर्वाइकल कैनाल और वजाइना मिलके आपको पता है कि क्या बनाती, बर्थ कैनाल बनाती। आ चुका है सवाल, सर्वाइकल कैनाल प्लस वजाइना बनाती है क्या बेटा? बर्थ कैनाल, बर्थ कैनाल। याद रखना इसको मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो दोबारा सुन लेना, इसलिए मैं जल्दी मिटा दे रहा हूं। एक लास्ट टॉपिक और हो जाए, बर्थ कैनाल, वेरी गुड। रिफत जावेद भी आ गई, जिंदा हो गई है भी। चलो आओ हम पढ़ते हैं वजाइना, वजाइना जिसको हिंदी में बोलते हैं योनी, जिसको उर्दू में बोलते हैं अंदाम निहानी, अंदाम निहानी, बाकी यूं बोल सकते हैं, कोई जरूरत नहीं, आप सीख सकते हो, उर्दू भी सीख सकते हो थोड़ा बहुत जितना आ जाए। जैसे मेल के अंदर, जैसे मेल के अंदर कोपुलेटरी ऑर्गन संभोग करने वाला अंग था पेनिस, जो कि आपने रिवाइज नहीं किया होगा मुझे पता है, उसी तरह फीमेल के अंदर कोपुलेटरी ऑर्गन कोई और नहीं, वो कहलाती है वेजाइना, कोपुलेटरी ऑर्गन। ठीक है, कोपुलेटरी ऑर्गन। दूसरा, कोपुलेटरी ऑर्गन के साथ साथ ये मेंस्ट्रुअल फ्लो को अलाउ करती है, अलाउ मेंस्ट्रुअल फ्लो, यानी जब पीरियड स्टार्ट होता है तो ब्लीडिंग जब होती है बेटा, तो ब्लीडिंग को ही हम मेंस्ट्रुअल फ्लो बोल देते हैं। अभी मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ना है, लेकिन एक सवाल है, ये देखो कि मान लीजिए जैसे हमने बनाया था यहाँ पे एक नॉर्मल ऐसा स्ट्रक्चर बनाया था, फिर हमने कहा था ये सर्विक्स है, फिर सर्विक्स के बाद ये देखो हमने कहा था वजाइना है, ये वजाइनल ओपनिंग है, वजाइनल ओपनिंग है। यहाँ पे जो वजाइनल ओपनिंग है, यहाँ पे बेटा एक लेयर पाई जाती, पार्शियली कवर्ड एक लेयर पाई जाती, पार्शली कवर्ड। इस लेयर का नाम है हाइमेन, हाइमेन। तो हाइमेन वजाइना को पूरी तरह कवर नहीं करती है, वजाइना को ऊपर से कवर की रहती है, नीचे से खुला होता है, नीचे से छेद थोड़ा सा खुला होता है हाइमेन। तो हाइमेन के बारे में याद रखना, ये क्या करता है, पार्शली कवर्ड, पार्शली कवर्ड वजाइना। और हाँ, हाइमेन का पाया जाना ये माना जाता है वर्जिनिटी का सिंबल, किसी भी फीमेल में हाइमेन का पाया जाना वर्जिनिटी का, इसमें सवाल बड़े खतरनाक है वजाइना वाले में, है छोटे छोटे सवाल लेकिन खतरनाक है, वर्जिनिटी का सिंबल है। लेकिन ये 100% ट्रू नहीं है,
क्योंकि ये बात किताबों में भी लिखी है और नॉर्मल भी अगर आप देख इसमें देखें, जो फीमेल बहुत ज्यादा स्पोर्ट में पार्टिसिपेट होता है तो उनकी हाइमेन रप्चर होने के चांसेस हैं। तो हाइमेन का पाया जाना ये 100% सही नहीं है, वर्जिनिटी को नहीं बताता, या हाइमेन का ना पाया जाना इसका मतलब ये नहीं कि उसको सेक्सुअल एक्सपीरियंस है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इन सबके बावजूद हाइमेन हाइमेन वर्जिनिटी का सिंबल है। देखो भले ठीक है किताबों में लिखा है, लेकिन ये वर्जिनिटी का सिंबल माना जाता है। अगर ना माना जाता तो ये क्यों लिखते कि इसका पाया जाना ना पाया जाना वर्जिनिटी सिंबल, जरूरी नहीं कि वर्जिनिटी वो उसको सेक्सुअल इंटरकोर्स का एक्सपीरियंस है कि नहीं है, सेक्सुअल एक्टिविटी का एक्सपीरियंस है कि नहीं है। तो पॉइंट ये समझना है, हाइमेन का पाया जाना ये माना जाता है कि वो वर्जिन है, वो फीमेल वर्जिन है, ठीक है। लेकिन कभी कभी कुछ फीमेल ऐसी होती है कि उसमें सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद भी हाइमेन होती है वो बरकरार रहती है, मेंटेन रहती है। लेकिन कुछ भी किताब कह रही है लेकिन वर्जिनिटी का सिंबल है। चल आगे चलते हम लोग। तो इंडिकेट्स वर्जिनिटी ऑफ फीमेल, 100% सही भी नहीं है, क्योंकि देखो मेल के अंदर वर्जिनिटी के बारे में हम नहीं करते, अक्सर हम जो है फीमेल को ही लेकर सारी बातें करते हैं, फीमेल की वर्जिनिटी की बात करते हैं, तो मेल की वर्जिनिटी की बात क्यों नहीं करते? भाई मेल का तो नहीं पता है, ठीक है, तो उसमें कोई मेम्ब्रेन तो होती नहीं है कि भाई जैसे पेन होती है उसके ऊपर एक निब लगी होती है, आपने हटा दिया कहेंगे पेन यूज है, ऐसा तो कोई निब होती नहीं, कोई ढक्कन तो लगा नहीं होता है कि उसको हटा दिया तो हाँ भाई मेल वर्जिन नहीं है। तो फिर जब आपका नहीं पता तो आप किसी को कह भी नहीं सकते, तो इन सब का आपको ध्यान रखना होगा, हमें उसको उसकी इज्जत को बरकरार रखना होगा। अगर हम पीएच की बात करें, वेजाइना की पीएच की बात करें, तो वेजाइना जो होती है उसकी पीएच 3 से 4 होती है, तो पीएच 3 से 4 होता है मतलब ये एसिडिक होता है, मतलब ये एसिडिक होता है। सवाल मेरा ये है एसिडिक क्यों है? सरफराज खान बॉय बाकी जितने बच्चे हैं बताओ, सुबुही सिद्रा जितने भी बच्चे हैं सिद्रा, ये बताओ बेटा ये एसिडिक क्यों होता है? एसिडिक क्यों होता है मेरे प्यारे बच्चों, जवाब दे दो फटाक से। लैक्टोबैसिलस, वेरी गुड कनिका। कोई पूछे ये एसिडिक क्यों होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, ये प्रेजेंस है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। दूसरा सवाल, ये इसलिए होते हैं बेटा लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया यहां पे एनएरोबिक रिस्पायरेशन करते हैं, याद रखना एनएरोबिक रिस्पायरेशन करते हैं। और एसिडिक मीडियम से एक फायदा है कि उनकी वेजाइना में कोई इंफेक्शन कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाता है। लेकिन एक सवाल है, आखिर यहां बैक्टीरिया पाए जा रहे हैं तो ये बैक्टीरिया बहुत ज्यादा ग्रोथ क्यों नहीं कर जा रहे? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया बहुत ज्यादा ग्रोथ क्यों नहीं कर जा रहा है? क्यों ये बहुत ज्यादा ग्रोथ करके इन्फेक्शन की कॉज कर दे रहा है? अरे भाई दही में भी लैक्टोबैसिलस होता है, मतलब लैक्टोबैसिलस पाया जाता है, लेकिन अगर लैक्टोबैसिलस की मात्रा बहुत ज्यादा होने लगी तो दही खट्टी होने से खराब हो जाती है। पॉइंट ये कि अगर वजाइना के अंदर लैक्टोबैसिलस पाया जाए तो ये बहुत ज्यादा क्यों नहीं हो जा रहा है? इनके जैसे ठीक होता है तो इनकी संख्या भी ज्यादा हो जानी चाहिए। देखें जवाब क्या आता है, क्यों बैक्टीरिया बहुत ज्यादा ग्रो नहीं कर पाते? तो मैं तुम्हें बता रहा हूं, एक शब्द सुना होगा तुमने ईस्ट पॉइजन या ईस्ट पॉइजनिंग। ईस्ट से हम शराब बनाते हैं, अल्कोहल बनाते हैं, ईस्ट से ही शराब बनाते हैं, लेकिन जब अल्कोहल का परसेंट 30% से ज्यादा हो जाए, तुम्हारे एनसीईआरटी में लिखा है 13% से ज्यादा हो जाए तो ईस्ट खुद मरने लगता है। वही शराब बना रहा है और उसी में 13% ज्यादा अल्कोहल हो गया तो वो खुद मर जाते हैं, ताकि ईस्ट ज्यादा ग्रो ना कर पाए इसे, या अल्कोहल ज्यादा मात्रा ना हो पाए तो वो ईस्ट खुद मरने लगता है, इसे बोलते हैं ईस्ट पॉइजनिंग। तो उसी तरह ये लैक्टोबैसिलस इसे ग्रो नहीं कर पाते क्योंकि मीडियम एसिडिक है, यही मीडियम एसिडिक बनाते हैं और इसी एसिडिक मीडियम से ये इनकी भी ग्रोथ ज्यादा नहीं हो पाती, याद रखना। दूसरा पॉइंट, वजाइना में कोई ग्लैंड, वजाइना में कोई ग्लैंड नहीं, वजाइना पर ग्लैंड है, वजाइना में कोई ग्लैंड नहीं। तुम्हारे एनसीईआरटी कहती है डिवाइड ऑफ ग्लैंड, डिवाइड ऑफ ग्लैंड, वजाइना में कोई ग्लैंड नहीं होती, लैक ऑफ ग्लैंड, वजाइना में कोई ग्लैंड ऐसी नहीं होती। मैं थोड़ा ग्लैंड आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट वाला, थोड़ा सा याद रखिएगा वो क्या होता है। तो वजाइना के बारे में बात करें, कोपुलेटरी ऑर्गन होता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो को अलाउ करता है, वजाइना के ओपनिंग पे हाइमेन होती जो भी पार्शली कवर्ड की होती है वजाइना को, ये वर्जिनिटी इंडिकेट करती है फीमेल की। लेकिन वर्जिनिटी के बारे में हम बात कर चुके हैं, इसका पीएच 3 से 4 होता है, एसिडिक होता है क्योंकि उसमें लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है जो कि एनएरोबिक रिस्पायरेशन करता है,
ये जो एसिडिक मीडियम होता है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकता है, लेकिन वजाइना में कोई ग्लैंड नहीं होती। ना ना ना, ग्लैंड नहीं है वो वहां पे, वो वजाइना के ओपनिंग पे होती है बेटा। डॉक्टर ओएमजी, वजाइना के ओपनिंग पे होती है बच्चे, मैं आपको दिखाऊंगा अभी वजाइना के ओपनिंग पे कहां पर है। ठीक है, तो थोड़ा सा पॉइंट यहाँ पे ये समझना है, ये हमारे हो गए डक्ट वगैरह सब, वजाइना वगैरह, इसको हम मिटा दे रहे हैं। ठीक है, चलिए तो इसके बाद हम ग्लैंड के बारे में बात करेंगे बेटा। स्किन्स ग्लैंड क्या होती है, ठीक है, बर्थोलिन ग्लैंड क्या होती है, वेस्टिबुलर ग्लैंड क्या करती है, ठीक है, वो सब हम समझाएंगे। स्किन ग्लैंड कहाँ पाई जाती है फीमेल में, तो ये सब चीजें हमें समझाना है अच्छे से, ये आपने भी सुना होगा। फिर मेमरी ग्लैंड पाई जाती है, मेमरी ग्लैंड में कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट है बेटा, हाँ वेस्टिबुलर ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड में कहाँ का डक्ट कौन सी होती है, कैसे रास्ते कहते हैं, मेमरी लोब्यूल्स होते हैं, एल्वेलाई क्या होती है, फिर मिल्क कंपोजिशन क्या होता है ये हमें पढ़ना है, फिर ऊजेनेसिस पढ़ेंगे, फिर उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे, फिर ये सब पढ़ने के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल, तब हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन शुरू का मतलब ये होगा कि फर्टिलाइजेशन के बाद बेटा एम्ब्रियो, एम्ब्रियो में जो वक्त लग जाएगा उसके बाद ही खत्म पे जाएगा धीरे धीरे, परेशान ना रहो, बस यही वक्त लगता है स्ट्रक्चर पढ़ने में बेटा। हाँ मॉन्स प्यूपिस, अरे एक्सटर्नल जेनिटेलिया कहो तो उसको पढ़ा दे हल्का सा, एक्सटर्नल जेनिटेलिया चलो खत्म कर दे रहे हैं, एक डायग्राम बना दे रहे हैं, एक्सटर्नल जेनिटेलिया खत्म कर, फिर ग्लैंड के बारे में बात कर रहे, चलो ठीक है आओ, चलो जब कर रहे हो तो ये भी शुरू कर दे रहे हैं, एक्सटर्नल जेनिटेलिया समझ लो थोड़ा सा, ठीक है मॉन्स प्यूपिस वगैरह सब बता दे रहे हैं। आप फीमेल के एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में बात करें, एक्सटर्नल जेनिटेलिया आज इसको खत्म कर ले बच्चे, एक्सटर्नल जेनिटेलिया जिसको हम एक दूसरे नाम से बोलते हैं वुल्वा, वुल्वा वुल्वा वुल्वा, आओ देखते हैं क्या है, देखो गौर से भैया वुल्वा, चलो यहीं पे सब समझ लेंगे, यहीं पे हम लोग यहीं पे सब समझ लेंगे। हाँ बैरूनी जना जनांग, हाँ जन अंग जो भी बोलते हैं, ठीक है आओ देखते हैं क्या है, सुनो देखो, ये जो ऊपर का ये हिस्सा, ये जहां पर फैटी टिश्यू होता है, कुशन लाइक होता है, ये इसको हम बोलते हैं फीमेल का मोन्स प्यूबिस, ये इसकी मान लीजिए कि इसके पैर है, ये सब ये चीजें हैं सब, ठीक है इसको बोलते हैं मोन्स प्यूबिस जो कि फैटी होता है, मतलब फैटी कुशन होता है उसमें, ठीक है मोन्स प्यूबिस। दूसरी बात इसमें ये समझना है देखो, और क्या है इसमें थोड़ा सा, ठीक है इसके अंदर भी लेयर होगी, होने दो, एक और लिप्स लाइक होंगे ऐसे स्ट्रक्चर, ठीक है लिप्स लाइक स्ट्रक्चर होंगे, तो ये जो अंदर वाला देखो, ये जो अंदर वाला, ये जो ग्रीन वाला बना है, इसको बोलते हैं वेस्टिब्यूल, इसको बोलते हैं वेस्टिब्यूल, एक्सटर्नल जेनिटेलिया है याद रखना। हाँ बस खत्म हो जाएगी बेटा 2:30 बजे, अभी बस थोड़ी खत्म होने वाली है। नेक्स्ट देखो, ये देख लो, ये बाहर वाले स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, इस बाहर वाले को बोलते हैं लेबिया मेजोरा, ये लिप्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं लिप्स, लेबिया मेजोरा, अंदर वाले को बोलते हैं लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा, ये लिप्स लाइक स्ट्रक्चर जैसे लेबिया मेजोरा लेबिया माइनोरा बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये देख लो एक चीज और, फीमेल के वेस्टिब्यूल में दो ओपनिंग होती है, मतलब फीमेल के एक्सटर्नल जेनिटेलिया में दो ओपनिंग होती है, हमारे में एक होती है सिर्फ, इसलिए हमें यूरोजेनिटल डक्ट बोलते हैं, ठीक है। यहां से ये जो लेबिया माइनोरा है, लेबिया माइनोरा का जो एंटीरियर पार्ट है, ये ऊपर वाला पार्ट, यहां से एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर निकला होता है इस तरह से, इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्लाइटोरिस, इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्लाइटोरिस, ठीक है। और मैं बता चुका किसके होमोलोगस है, ये बात भी हम बता चुके हैं, हाँ वही फ्लेशी फोल्ड सब होते हैं बेटा, ये सब लेबिया माइनोरा लेबिया माइनोरा फ्लेशी फोल्ड होते हैं। यहां पर इनकी दो ओपनिंग होती है बेटा, एक ओपनिंग ये होगी, दूसरी ओपनिंग ये होगी, ठीक है दो ओपनिंग होती है। अब दो सुनो, दो ओपनिंग बस, हाँ दो ओपनिंग है, एक को बोलते हैं यूरेथ्रा, यूरेथ्रल ओपनिंग, ऊपर वाले बोलते हैं यूरेथ्रल ओपनिंग, और इसको बोलते हैं वेजाइनल ओपनिंग,
वेजाइनल ओपनिंग। फीमेल के अंदर दो ओपनिंग होती है, यूरेथ्रल ओपनिंग और वेजाइनल ओपनिंग। हाँ, होमोलोगस की बात हो चुकी है, ये दिमाग बैठाए रखिएगा। और हाँ, जो लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा है, यहां पे इनके होती स्वेट ग्लैंड, पसीना निकलता है इनके स्वेट ग्लैंड, हल्का हल्का यहाँ पसीना भी निकलता है लेबिया मेजोरा में, याद रखिएगा, ठीक है। और दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट एक चीज और भी है, ठीक है, आप देखते हैं क्या है चीजें। यहां से ये एनल रीजन है, मान लीजिए ये एनल रीजन है, एनल रीजन, ठीक है, एनल रीजन है। तो थोड़ा सा हमको एक चीज और समझना है, उसको देखना है बेटा। देखो यहां पे एक धागेनुमा हल्का सा स्ट्रक्चर होता है, इसको, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, जो धागेनुमा स्ट्रक्चर होता है उसको क्या बोलते हैं, धागेनुमा स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, फोरचेट, फोरचेट। और स्पेस को बोलते हैं पेरिनियम, आपको पता ही है, ठीक है। और ये भी बता चुके थे कि क्लाइटोरिस किसका होमोलोगस होता है, आपको पता है। ये ना सेंसिटिव स्ट्रक्चर होता है, मतलब हाईली सेंसिटिव होता है, सेंस कर देता है चीजों को जल्दी से, अगर उस पर रबिंग हल्की से करेंगे तो सेंसेशन होता है, फील होने लगता है वहां पे, क्लियर रखिएगा पॉइंट। तो इसको वेस्टिब्यूल बोलते हैं, इसको अंदर वाले वेस्टिब्यूल बोलते हैं, पूरे को फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया बोल रहे हैं। तो आज का लेक्चर इतना ही रखेंगे बेटा, और फिर मिलते हैं हम आप लोग बाद में, और तैयारी करते रहना, पढ़ाई करते रहना, लाइक भी करते रहना, शेयर भी करते रहना, कमेंट भी करते रहना, एंड स्ट्रीम कर दे एंड।